ऐसा लगता है कि बिग बॉस सपना चौधरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि सपना चौधरी सीजन 11 में आई थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो किसी ना किसी तरह से लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं, कभी अपने डांस को लेकर तो कभी अपनी किसी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से सपना चौधरी जैसी ही एक अमेजिंग हरियाणवी डांसर आने जा रही हैं बिग बॉस में, और ये कंफर्म हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कोई र्यूमर नहीं है, बल्कि कंफर्म्ड सदस्य हैं, कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हैं। कौन है ये? वेल, जैसा मैंने कहा कि हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ ऑफिशियल गोरी नागोरी। जी हाँ, आप सभी इनको इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करते हैं तो इंस्टा पर ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, और इनकी जो आईडी है उसका नाम ही है गोरी नगोरी, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, खुद को क्वीन मानती हैं, और उसी के साथ साथ जो इनका प्रोफाइल है वो पूरा क्वीन इन्फ्लुएंस्ड है। जी हाँ, जिस तरह की एक देसी लाइफस्टाइल ये देखिए फॉलो करती हैं, ये इनकी हर तस्वीर में एक देसी अंदाज जो है वो नज़र आता है, और उसी के साथ साथ कई सारे स्टेज परफॉर्मेंसेज भी ये कर चुकी हैं, काफ़ी देसी लुक है इनका। सो ये सारी वीडियोस जो हैं अब सडनली इनकी वायरल हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ मॉडल हैं, बल्कि इन्होंने कई सारे शोज में भी परफॉर्म किया है, और इनका प्रोफाइल जो है वो काफ़ी हद तक मैच करता है सपना चौधरी से, और इसीलिए कई लोग इन्हें इस सीज़न की सपना चौधरी कह रहे हैं। अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा जब ये शो पर एंट्री लेंगी तो किस तरह का इनका परफॉर्मेंस होगा, कैसी इनकी रीच होगी। क्योंकि इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो इस वक्त इनके इंस्टाग्राम पर 1,78,000 फॉलोअर्स हैं, और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनके अकाउंट पर ब्लू टिक है। जी हाँ, शी इज अ वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर जिनकी रीच अच्छी खासी है। देखिए, जहां तक बिग बॉस की बात है, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ रहा है, और बिग बॉस कोशिश ये कर रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक एक्ट्रेसेस और एक्टर्स, नोन फेसेस, नोन इन्फ्लुएंसर्स को इस बार शो पर लिया जाए। इन्फ्लुएंसर्स को लेने का एक मेजर रीजन ये है, आप भी जानते हैं कि आजकल जो है डिजिटल जमाना हो चुका है, और डिजिटल दुनिया इस वक्त चल रही है, और हर कोई कोशिश ये करता है कि जो भी डिजिटल दुनिया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को उठाया जाए ताकि यूथ अट्रैक्ट हो। देखिए, अगर फैजू, जन्नत, इस तरह के सेलिब्रिटीज़, आशिका भाटिया, मतलब एक हिंट मैं दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, मुनावर फारूकी, ये सब यूथ के सेलिब्रिटीज़ हैं इस वक्त के लिए। यू नो, कैरी मिनाती हो गए, भुवन बाम हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हैं प्लस यू नो डिजिटल क्रिएटर्स हैं। अगर ये लोग बिग बॉस में आते हैं, या ज़्यादातर इनमें से लोग बिग बॉस में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो पूरी इंस्टाग्राम ऑडियंस है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने तो सेलिब्रिटीज़ यानी एक्टर्स के भी नहीं होते, तो ये ऑडियंस भी उठकर बिग बॉस में आएगी। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जा रहा है बिग बॉस के लिए, और हमारी गोरी नागोरी अगर बिग बॉस में आती हैं तो उस पर आपका क्या होगा कहना, बताइएगा।